हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत कॉमन है, रीनल स्टोन या किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी जिसे कहा जाता है। तो मेडिकल टर्म्स में हम इसे यूरिनरी कैलकुलस कहते हैं या यूरोलिथियासिस भी कहते हैं, और कभी कभी कुछ अलग टर्म्स यूज़ होते हैं जैसे नेफ्रोलिथियासिस, यूरेट्रोलिथियासिस या सिस्टोलिथियासिस। तो इन टर्म्स से हमें पता चलता है कि जो स्टोन है वो यूरिनरी सिस्टम के किस पार्ट में है। जैसे नेफ्रोलिथियासिस का मतलब है किडनी में, यूरेट्रोलिथियासिस का मतलब है यूरेटर में, और सिस्टोलिथियासिस का मतलब है ब्लैडर में स्टोन है। तो अब हम जानेंगे कि क्यों होता है ये रीनल स्टोन या पथरी जो है। तो इसके मेन कॉजेज़ है जो जेनेटिक हो सकता है, किसी की फैमिली हिस्ट्री हो जिसको स्टोन्स होते हैं उनके परिवार में, तो जेनेटिक हो सकता है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। अलावा कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है, जैसे बहुत देर तक यूरिन को होल्ड करके रखना, अक्सर लोग ट्रैवल करते हैं तो ऐसी कंडीशंस आ जाती है। जो ऑफिस वर्क करते हैं तो उन लोगों में भी यूरिनरी कैलकुलस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो गंदा पानी पीते हैं, जो पानी जिसमें बालू आता है, इस तरह का पानी पीना, या फिर साफ पानी नहीं पीना या कम पानी पीना, तो ये सभी कारण हैं जो रीनल स्टोन हो सकते हैं। और इसके अलावा पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करना जो कि गंदे हैं, खासतौर से जो लोग ट्रैवल करते हैं या ऑफिस वर्क करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में जो है मेनली जो कंप्लेंट होती है पेशेंट की, पेन इन लोअर एब्डोमेन होती है और स्पेशली लेटरलाइज होती है राइट या लेफ्ट साइड को। तो मेडिकल टर्म में हम देखेंगे तो पेन इन फ्लैंक रीजन रेडिएटिंग टू बैक, और पेन इन लोअर एब्डोमेन आइदर राइट और लाइट रम्बर रीजन इन्वॉल्विंग पेल्विक एंड विच इज़ रेडिएटिंग बैक। तो ऐसा आप देख सकते हैं, जैसा कि फिगर में मैंने एरिया जो रेड हाईलाइट एरिया दिखाया है, और इसी तरीके से बैक साइड में, तो ये पेन का रेडिएटिंग साइट है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये स्टोन है। उसके बाद हम अदर सिम्टम्स देखेंगे तो वॉमिटिंग है, ब्लड हो सकता है यूरिन में, और बर्निंग मिक्चुरेशन या जलन की जो प्रॉब्लम होती है पेशाब में। इसके अलावा कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता है यूरिन में, क्योंकि अगर ब्लैडर में स्टोन है तो वो आकर ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है एक्सटर्नल ओपनिंग के ब्लैडर को, तो यूरिन जो है एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, यूरिन रुक जाती है। तो ये रहे कॉमन सिम्टम्स। इसके बाद हम देखेंगे कि डायग्नोसिस कैसे होती है स्टोन की। तो सबसे पहले है सिम्टम्स। तो सिम्टम्स देखकर हमें पता चलता है कि स्टोन हो सकता है। उसके बाद हम कन्फर्मेटरी टेस्ट कराते हैं, तो यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से भी हमें कुछ आइडिया लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सरे जो है, KUB जो एक्सरे कराते हैं, तो उसमें भी हमें स्टोन के बारे में पता लग जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं रीनल कैलकुलस के, या कितनी तरह की जो पथरी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट। ये कैल्शियम जो है किसी भी के साथ मिलकर, जैसे ऑक्सलेट या फॉस्फेट के साथ मिलकर जो है कॉम्बिनेशन बनाकर ये स्टोन फॉर्मेशन करता है। इसके बाद यूरिक एसिड का स्टोन हो सकता है, स्ट्रोवाइट का हो सकता है, या सिस्टीन का स्टोन हो सकता है। इसके बाद हम डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले है कैल्शियम स्टोन। तो कैल्शियम जो है कभी किसी के साथ कंबाइन होता है अदर मिनरल्स के साथ, मेनली जो है ऑक्सलेट के साथ या फॉस्फेट के साथ, तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनता है या कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोन बनता है। और ये जो स्टोन्स है टिपिकली जो है प्लेन एक्सरे में हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है अदर मेडिकल कंडीशन में भी ये जो स्टोन है हो सकते हैं, साथ में एसोसिएटेड हो सकते हैं, जैसे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में, और सर्टेन टाइप ऑफ वेट रिडक्शन सर्जरीज में, एंड अदर किडनी डिसऑर्डर्स में भी हो सकते हैं। इसके बाद हम सेकेंड देखेंगे कि ये जो यूरिक एसिड के जो स्टोन्स हैं, तो मेनली जो है क्रिस्टल फॉर्म में दिखाई देते हैं यूरिन में, या यूरिक एसिड का क्रिस्टल दिखाई देता है, या फिर ये स्टोन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्लेन एक्सरे में विजिबल नहीं होते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है कॉमनली किस में पाए जाते हैं, एक्सेसिवली जो हाई प्रोटीन डाइट जो लोग लेते हैं, या ओबेसिटी होती है, या पेशेंट कोई सफ़र कर रहा है गाउट से, या गाउटी आर्थराइटिस जो कंडीशन है, या जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उस कंडीशन में। और ये जो टिपिकली ये स्टोन जो है मेनली जो है एसिडिक यूरिन जिसका पीएच 5 से 6 है, उस कंडीशन में ये स्टोन्स बनते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सिस्टीन का स्टोन। सिस्टीन स्टोन्स जो है रेयर होते हैं, रियली अबाउट 1% जो केसेस, जो स्टोन है ऑल केसेस, उसमें से 1% केसेस सिस्टीन के हो सकते हैं। और ये डिफेक्ट होता है अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट का किडनीज में, और ये जो कॉमनली है जो यंग पीपल में होता है और रिकरेंट होता है, मतलब ये बार बार पूरे लाइफ टाइम ये स्टोन होता रहता है। और ये स्टोन भी जो है पुअरली विजिबल होता है एक्सरे में। इसके बाद हम देखेंगे जो लास्ट है इन्फेक्टिव स्टोन, जिसे कहते हैं स्ट्रोवाइट स्टोन, या इन्फेक्शन के कारण UTI के से एसोसिएटेड होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, और ये बहुत ही रैपिडली ग्रो करता है
होता है और कंप्लीट स्टोन कास्ट बनाने में, और ये भी पुअरली विजिबल होता है एक्सरे में। तो ये रही डिटेल्स सारी स्टोन्स के बारे में, हर तरह के किडनी स्टोन। और इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट पोर्शन इसका। तो ट्रीटमेंट क्या है, दो ऑप्शंस हैं, मेडिकेशंस और दूसरा है सर्जरी है। और मेडिकेशंस पे हम देखेंगे जो स्मॉल साइज़ जो है स्टोन्स होते हैं, कभी हम देखेंगे 4 mm से जो लेस जो स्मॉलर होते हैं जो स्टोन्स, वो अपने आप ही पास आउट हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि उससे कुछ बड़े साइज़ के अबाउट जो 8 mm तक के स्टोन होते हैं मेडिकली ट्रीटेड होते हैं, और उसके बाद बड़े साइज़ के जो स्टोन्स होते हैं उसके लिए सर्जरी करनी पड़ सकती है। कभी कभी छोटे साइज़ के स्टोन्स जैसे 5 या 6 mm के भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। कभी अगर ये यूरेटर में आकर पेल्वी यूरेटर जंक्शन में अगर फंस जाते हैं तो इमरजेंसी में इसे ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज करता है और सीवियर पेन भी होता है। तो ये रही पूरी जानकारी किडनी स्टोन के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ गया होगा, या रीनल स्टोन्स के बारे में पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं टाइम टाइम पर मिलते रहें, और जब भी मैं नई वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।